हूँ हर्ष, आज मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। एक अपील है मेरी आप सबसे कि बेटा इस टाइम आप यंग एनर्जी हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, आप कोशिश करो अपनी एनर्जी को अच्छी डायरेक्शन में शिफ्ट करो। अगर आपको कभी आपके पेरेंट्स कुछ कहते हैं और आपको बुरा लगता है तो प्लीज उनको समझने की कोशिश कीजिए। माना आपके साथ भी बहुत सी प्रॉब्लम है, बट उनके साथ भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं कि वो आप लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं। आप में से कुछ के पेरेंट्स जो है रिक्शा भी चलाते हैं, फेरी भी लगाते हैं, सब्जी की दुकान भी है, तो आप सोचिए वो आपके लिए दिन रात कितनी मेहनत करते हैं। मतलब वो 10-10 रुपए के लिए आपके लिए इतना संघर्ष करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए और अपनी जो जितनी भी एनर्जी है उसको अपनी पढ़ाई की तरफ शिफ्ट करो। इस टाइम आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि 9 to 12 की जो एज है वो सबसे ज़्यादा नाजुक एज है, एडोलोसेंस। इस टाइम आप फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ थॉट्स, तो आप अपने इस चीज़ को कोशिश करो कि अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करो, कुछ बनो, कुछ बनो। आपके पेरेंट्स का नाम, ठीक है, ये जाना जाए कि मान लीजिए कोई बच्ची है, उसका नाम है मान लो रिया, तो ये जाना जाए कि ये रिया के पेरेंट्स हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ये ना कहा जाए कि ये उनकी बच्ची है, ठीक है। आपकी वजह से आपके पेरेंट्स का नाम होना चाहिए अच्छे कामों में। आई थिंक कि मैं मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।